ये देखो आगे से अभी इस पे और डिजाइन लगेगी 3 स्टार की ऐसा कुछ। सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज कुणाल क्रिएशंस। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। बहुत दिनों बाद फिर से मेरे भाई लोगों से मेरी मुलाकात। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर। तो अभी टीवी टावर में तो एक ही चीज़ फेमस है, नागपुर का किंग 3 स्टार धुमाल। तो भाई भैया की मतलब अर्पित भैया की गाड़ी बनना शुरू हो गई है, लगभग काम हो ही गया है 70%। तो आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे और इसलिए बोला चलो जाते हैं और देखते हैं कैसा क्या काम चालू है। तो अभी भाई मैं तो मेरे दोस्त के टेरेस पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से अभी निकलेंगे भाई लोग जल्दी से जल्दी और आप सभी भाई लोगों को दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी बन रही है। तो चलिए चलते हैं, है ना। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं टीवी टावर के पास। ये आगे में है टीवी टावर, ये आप देख सकते हैं भाई, ये जो बड़ा वाला टावर है इसी कहते हैं टीवी टावर। और बारिश चालू है अभी बहुत, मतलब 1 घंटा हुआ मैं रुका हुआ था क्योंकि बारिश आ रही थी, फिर बारिश बंद हो गई इसलिए फिर मैं निकल गया। अभी जाएंगे जल्दी से जल्दी और आपको अगर भाई बारिश तो आ रही है, अगर तिरपाल ढकी नहीं होगी क्योंकि अभी कम हो गई है बारिश, और अगर तिरपाल ढकी नहीं होगी तो मैं आपको सेटअप भी दिखा दूँगा, तो बने रहिए सब भाई लोग। सो गाइज अभी हम हैं 3 स्टार धुमाल के ऑफिस के पास। तो गाइज आगे में गाड़ी बनना शुरू है, बोल सकते हैं कि 70% काम हो ही चुका है और बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, मतलब अरे मतलब क्या बोल सकते हैं, असेंबलिंग बाकी है, मतलब बाकी पूरा बन गया है, सिर्फ असेंबलिंग बाकी है गाड़ी की। और ये इस तरफ में ये अपनी पुरानी गाड़ी, ये तो आप सभी देखते हैं, और ये हमारे पैड वाले भैया। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? वॉशरूम। ओके। तो हम भैया अब विशाल भाई से भी बात करेंगे और ये इधर में बन रही है गाड़ी, मैं आपको गाड़ी तो दिखाऊंगा भाई अभी, कैसा थोड़ा रुको। और भाई ये अभी पूरी गाड़ी तो उतर गई है, मतलब फिर अभी आप बोल रहे होंगे कि इस गाड़ी का क्या होगा, इस गाड़ी का कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी बिकेगी नहीं, इसको रखेंगे क्योंकि इस पे सब भाई लोग जो आते हैं बजाने के लिए वो इस पे आते जाएंगे फिर, और वो गाड़ी इशारती के लिए हो जाएगी। और ये देखो भाई, ये है अपनी गाड़ी नई वाली आइसर, इसका पूरा नक्शा बदल गया भाई। सो गाइज अभी हम विशाल भाई से बात करेंगे। तो विशाल भाई अपना नया सेटअप का मतलब आप कुछ जानकारी दे सकते क्या? हम क्या जानना कि अपने गाड़ी में क्या क्या है, अपनी गाड़ी कितने दिन में बन जाएगी, अपने गाड़ी की ओपनिंग 1 तारीख को मिल जाना था, मतलब ऐसा बोल सकते ना कि काम पूरा हो चुका है, सिर्फ असेंबलिंग बाकी है गाड़ी की। काम तो हो ही चुका, सिर्फ असेंबलिंग बाकी है। और भाई इतना भयंकर सेटअप, मतलब ऐसा बोल सकते है कि सोच से परे बन गई है गाड़ी, है ना। क्या क्या लगा है अपने गाड़ी में? वो तो तुम आएंगे ना जिस दिन, उस दिन तुम शॉर्ट हो जाओगे, मतलब पूरा पहले जितना मिलता था उससे डबल मिलेगा, डबल मिलेगा, है ना। बस अपनी छाती बचा के रखना, छाती बचा के रखना, छाती बचा के रखना, नहीं तो छाती को माटी लगा।
नहीं तो दिल ऐसा मुंह से बाहर आ जाएगा, है ना? उल्टी नाश्ते करोगे। तो ये देखो भाई गाड़ी, आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ। ये ऐसे कुछ ट्रस है, और ये शीट है, ये शीट इस पे लगेगी और फिर ये यहाँ पे लगेगा। और कैनोपी अभी अंदर रहेगी, पहले तो वो गाड़ी में कैनोपी नहीं थी, उसकी उसमें थी, अभी ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये नया अपडेट है कैनोपी का। साउंड पूरा पूरा साउंड चढ़ चुका है गाइस, सिर्फ ये बाहर की शीट लगेगी, यहाँ की शीट्स लगेगी और चोंगे लग जाएंगे, फिर हो गया। और यहाँ के नीचे के बोर्ड ये बाकी है एक, और यहाँ पे पहले भाई बाहर से मतलब लगते थे मेगाफोन बोल सकते हैं अपन, अभी वहाँ पे दो टॉप लग गए हैं और ऊपर से भी लगेंगे शायद मेरे हिसाब से माइक्रोफोन या चोंगे भी बोल सकते हैं डोमेस्टिक लैंग्वेज में। गाइज ये देखो, ये दोनों वॉल साइड वाले जो वॉल है ये बन चुके हैं, बस इस पे अभी शीट लगेगा। और ये साउंड, ये देखो गाइस साउंड, ये साउंड देखने के बाद एक रात नींद नहीं आती है। और हमारे मतलब मोगली नाम से सब भैया को पहचानते हैं, गोंदिया वाले भैया। आप क्या कर रहे हो? ये भैया हमें बोर्ड बना रहे थे बड़े जनरेटर के लिए। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे मतलब गाड़ी में साउंड के बारे में? गाड़ी में साउंड तो अभी धुमाल में किसी ने लगाया नहीं, इतना साउंड है ना, और लगा भी नहीं सकते। मैं खुद कल साउंड देख के गया तो मेरे को एक रात नींद नहीं आई। तो अभी जो बाकी लोग देखेंगे गाड़ी को, उनको कितने दिन नींद नहीं आएंगी? अब उनके ऊपर है, कौन कौन टेंशन लेता है उनको कितने दिन नींद आएगी। भाई मजाक नहीं है, साउंड देखो कितना है गाड़ी पे। गाइस पीछे में गाड़ी बनना शुरू है, और गाइस मैं बता रहा हूँ आपको मतलब धुमाल लाइन में परमानेंट 8 बेस अभी तक किसी ने नहीं लगाया। तो 3-स्टार धुमाल ये पहला सेटअप हो गया जिसने 8 बेस मतलब परमानेंट गाड़ी पे रख दिया अभी। तो भाई गाड़ी तो इतनी भयंकर बन रही है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे काम चालू है गाड़ी का, जैसे कि आपको दिख रहा है। और भाई बहुत भयंकर सामान है गाड़ी में, साउंड तो मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है साउंड में इस बार।
जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये भाई ब्लॉग मतलब एक दिन का ब्लॉग नहीं है, ये कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यू जो साउंड बन रहा है वो सब दिखेगा एक ही ब्लॉग में। और साथ ही साथ में जो पहले बना है वो तो ट्रस वगैरह जो कुछ है वो तो आपको मैंने दिखाई दिया भाई, 8 बेस 4 नीचे 4 ऊपर। और गाइस फाइनली आखिरकार आज 3 स्टार धुमाल का सेटअप रिवील हो जाएगा। हमारे ऋतिक भैया हमारे साथ बने हुए, कैसे हो भैया? बढ़िया भाई साहब। आपको सेटअप कैसा लग रहा भैया? बहुत गर्म लग रहा है। बहुत गर्म लग रहा है ना, मेरे को भी अच्छा लगा सेटअप। और हमारे साथ हमारे भैया है, भैया गुरुजी, गुरुजी इधर आओ। नहीं 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 आप भागो मत, मैं आपके पीछे भागूंगा। तो आपको कैसे लग रहा है सेटअप? अरे सेटअप दिख जाएगा, रुको। एक नंबर, अलग से है ना बिल्कुल। अरे बिल्कुल हटके, बिल्कुल हटके। और अभी हमारे साथ है हमारे मुरली भैया। भैया इधर आओ, सेटअप दिख जाएगा ऐसे। अरे इधर आओ ना, सेटअप दिख जाएगा ना। कैसे हो आप? बस बढ़िया। सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, एकदम जोरदार। और आप क्या कहना चाहोगे? अभी बस जा रहे साउंड चेक करने। हाँ अभी साउंड चेक हो जाएगा आज, और आधे घंटे में। और अभी हमारे साथ हमारे यश भैया बने हुए हैं नहा धो के बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? पूरा गरम काम है भाई। तो ये अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ साउंड चेक बाकी है। और रुक जा रुक जा। तो और ये था अपना पुराना वाला सेटअप गाइस। तो ये पुराना सेटअप आज भी भाई पूरा नया है, 3 स्टार बोलते। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा फाइनली क्या दिख गया भाई पीछे में सेटअप लगा हुआ है। ये देखो 3 स्टार धुमाल का न्यू सेटअप पूरा 25 का, बस यहाँ का लगना बाकी है गाइस, यहाँ पे लगना बाकी है और उस टाइप उस तरफ में लगना बाकी है, ये 2 फ्रेम बाकी है, बाकी ऑल टोटल काम हो चुका। सेटअप भाई ऐसा बोल सकते हैं सेटअप की हर एक एक चीज पूरी डिटेलिंग में है, कि अगर कितनी भी बाहर में पब्लिक रहो तब भी अर्पित भैया और विशाल भाई जब यहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ का भी एकदम बंदोबस्त करा हुआ है। अभी बस तिरपाल हटेगी, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ये देखो ये ग्लिटर वाली शीट है, छर्रे वाली ये वाली, और ये मैं तो आपको थोड़ा निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो ये ब्लैक कलर में है, और ये पिंक कलर में है ये वाली शीट, ये वाइट में है, और ये नागपुर किंग की ब्रांडिंग देख सकते हो आप, नागपुर किंग। ये भी हटेगा, ये देखो ये जो है ना इसको फिल्म है थिक मतलब थिन वाली लगी हुई कोटिंग, ये ग्रीन कलर में है सॉरी पिंक, और ये ऊपर का गोल्डन है। और ये देखो सेटअप 3 स्टार का न्यू बिल्कुल। ये आगे में 4 बेस, ऊपर में 4 बेस, 8 बेस का भाई, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 3 स्टार ने भाई पूरी सीमा ही लांग दी, हद से बाहर। जब 3 स्टार पे 4 बेस लगते थे तो इतनी बूमिंग आती थी, अब तो 8 लग गए, अब क्या होगा। पूरा गरम काम। और बॉर्डर में ट्रस, बॉर्डर की जो ट्रस है वहाँ पे ये लगा हुआ है, मोरपंख वाली डिज़ाइन बोल सकते हैं इसे, या नटरंग नवरंग ऐसा कुछ बोलते हैं इसे, जीतू अंकल ने मुझे बताया था पर अभी मेरे मतलब याद में नहीं है। और ये सब चीज़ें फुल खतरनाक। कैसा है आजकल सब लोगों को पता, मतलब बहुत से लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मतलब अभी न्यू सेटअप आ रहा है 3 स्टार धुमाल का, 3 स्टार धुमाल का। तो ये देख सकते हो आप सेटअप भाई, फुल खतरनाक सेटअप है। गाड़ी का तो पूरा नक्शा ही बदल गया, पहले कैसी दिखती थी और अभी देखो कैसी दिख रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट लुक, फ्रंट लुक तो कतई प्यारा है, रुको थोड़ा ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं। ये अपनी पुरानी गाड़ी है 3 स्टार की, ये देखो भाई जीतू भाऊ नाम, जीतू अंकल का नाम लिखा हुआ है, और 3 स्टार की ब्रांडिंग, ऊपर में ताज, और ये डिज़ाइन ऐसी है आगे से। और ये अपनी गाड़ी आयसर, ऐसा कुछ है। और आगे से और कुछ बाकी होगा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि काम तो मुझे कंप्लीटेड ही दिख रहा है, पर अगर कुछ होगा तो वो भी अपन को दिख जाएगा। ये अपना पुराना सेटअप जो अभी निकल गया, मतलब इसका सब सामान निकाल दिया, अभी ये इतना रह गया, बस इतना ही रह गया, बाकी सब ओके है, पीछे से भी ओके है। अभी वो मैं आपको पीछे से भी दिखा दूंगा एक बार, ये वाली पिंक
ये वाली ब्लू, ये वाली पिंक, अल्टरनेट कलर कॉम्बिनेशन। और ये थोड़ा सा हमारे को भी लेना वाले भैया, इनको ले लिया अपन ने ब्लॉग में। कैसे हो भैया? बस मजे। कैसे लग रहा है आपको सेटअप? एक नंबर माहौल है ना। आज कामटी का संडा लेना। हाँ, कामटी में भी है और इधर भी है। तेरा नंबर देखा भाई, मिला ही नहीं। अरे यार अभी ले लेना नंबर आपका। तो ये देख सकते आप सेटअप भाई। और हाँ, और एक काम बाकी है जो कि ये यहाँ पे जो बैनर लगेगा बोर्ड, वो बाकी है। जाऊंगा ना तो साथ। हमारे सागर भैया बने हुए हैं। कैसे हो सागर भैया आप? अभी सो के उठे भी है, तब भी ऐसा लग रहा है कि ना क्या है कि आपके ये खूबसूरती का राज क्या है? फेयर एंड लवली। सागर भैया ने अभी 8 दिन से नहाए नहीं है। अरे यार बेइज्जती कर दिए। सागर भैया आपको सेटअप कैसे लग रहा है भाई? आपको सेटअप कैसे लग रहा भैया? एक नंबर। और आप कुछ मतलब पब्लिक को बताना चाहोगे कि गाड़ी में और क्या मतलब अपग्रेड क्या है? अपग्रेड क्या उसे क्या बोलते हैं? अपडेट, अपडेट, अपग्रेड भी बोलते हैं। अपडेट क्या है? साउंड है ना, ये तो पूरा नया है, मतलब डिजाइन तो पूरी हटके ये वाली। और नीचे में बैनर भी, आपने जो नीचे में बैनर है उस पे वही डायलॉग रहेंगे क्या जो अपने पिछली गाड़ी पे थे? कुछ दूसरा है वो, मैंने चॉइस किया। अच्छा है ना, आपने किया तो कुछ हटके होगा। और बताओ ना थोड़ा कुछ साउंड के बारे में। शर्म आती है। अरे शर्म यार, शर्म क्या है? जो जिसको लगे शर्म उसके फूटे करम। करम मत फोड़ो, बताओ दिया मेरी जान। बताओ ना भैया साउंड में क्या है नया, थोड़ा कुछ बता दो। साउंड में दिख ही जाएगा भैया, अभी देखो अभी जो कुछ भी है। बस तिरपाल निकली कि सब दिख जाएगा मतलब आपको पूरा मिला मिला के मिला 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 नहीं जो है वो है। बहुत गर्म दिख रहा है नागपुर किंग। और ये है ना, ये एक मेक को ऐसे बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन में उठ के दिख रहा है। हाँ ये देखो आगे से अभी इस पर और डिजाइन लगेगी 3 स्टार की, ऐसा कुछ नया। तो गाइज अभी हम हमारे पैड वाले मतलब मशहूर पैड वाले ऐसा बोल सकते हैं, हमारे मशहूर पैड मास्टर विशाल भाई से बात करेंगे कि मतलब वो गाड़ी के बारे में मतलब क्या बोलना चाहते हैं। तो विशाल भैया आपको गाड़ी कैसे लगी? गाड़ी बहुत भयंकर लगी मेरे को, है ना। और अभी 95% काम हो गया, सिर्फ ऊपर के कोने के फ्लेक्स और नीचे के लगने के बाकी है। हाँ। तो आप साउंड के बारे में कुछ बोलना चाहोगे या गाड़ी के बारे में? साउंड और गाड़ी दोनों की लाजवाब है, बहुत गर्म। और अब गाड़ी में जो है वो तो है। हाँ। और नया क्या है मतलब अपग्रेड क्या है? अपडेट तुम लाइव आके सुनोगे तभी तुमको सब समझ में आ जाएगा कि अपडेट क्या है ना। तो बाकी तो गाड़ी ऐसी कुछ है। और विशाल भैया इसमें कुछ नया है क्या? और तुम बस जलेगा ना तब देखना कि वो क्या है, क्या है। सही है, सही है, अलग काम दे दिया इस बार। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा साउंड वगैरह चेक करेंगे। चलो मतलब अभी साउंड सुनने मिलेगा आखिरकार। 4 बेस में तो बहुत सुन लिए, अभी 8 बेस का दम देखते हैं ना। आपका तो फिर क्या रुई डाल के बैठने का प्लान है क्या? नहीं, हम लोग रुई नहीं डालते। आदत हो गई अभी। चलो ठीक ही है, चलो देखते हैं फिर। क्रिस्टा अभी गाड़ी जा रही है साउंड चेक के लिए, हम भी जाएंगे साथ में देखेंगे साउंड, 8 बेस का जलवा देखेंगे भाई।
सो गाइज अभी हम बाहर आए थे और गाड़ी भी अभी बाहर लग गई है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप अच्छी तरह से। तो ये आप देखो सेटअप। अभी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो भैया आपको कैसे लग रहा है गाड़ी देख के? गाड़ी तो भाई ताबड़तोड़ लग रही है भाई, अच्छी लग रही है ना। और हमारे भैया कैसे लग रही गाड़ी? एक नंबर। मतलब गाड़ी में बहुत कुछ मतलब नया अपग्रेड देखने को मिला डिजाइन में, है ना? पूरी गाड़ी चेंज है ऊपर से नीचे तक। तो चलिए भाई लोग, मैं अभी आपको एक एक चीज दिखाता हूँ गाड़ी की, क्योंकि जब मैंने दिखाया था तब तो ये पूरी शीट रैप होकी थी, मतलब वो ऊपर का जो कवर होता है वो लग के था, अभी तो पूरा हट चुका है। तो अभी आप गाड़ी देखो और गाड़ी का आनंद लीजिए। कैसी लग रही है गाड़ी बताओ सब लोग।
गाइज फाइनली मैंने आपको पूरा सेटअप दिखा दिया। तो गाइज फाइनली अभी पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इस व्लॉग को बनने को नहीं कुछ तो भाई हफ्ता, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का समय लगा। तो इस व्लॉग को करते ही एंड, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे सब भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।